निकलते हैं, चेयरमैन पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वकीलों को बैठा के एक जबरदस्त किस्म का एहतसाब एक्ट आप लेके आए हैं जो पहले से भी ज्यादा मजबूत है। आप अगर इस एक्ट को देखेंगे, ये मुकम्मल तौर पे एहतसाब को ऑटोनमस आजाद करता है, किसी किस्म की गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है, और यही इसी तरह का एहतसाब होना चाहिए। एक्ट जो पाकिस्तान की नैब है, इसको भी उसी एहतसाब उसी तरह के एहतसाब एक्ट में आना चाहिए ताकि आज़ाद हो। मुझे ये आज मैं जो कल जा रहा हूँ, परसों जा रहा हूँ, इंशाल्लाह कल जा रहा हूँ पेशावर, मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़ती। अगर यहाँ का नैब आज़ाद होता जो अब आया, जो हमने एक्ट पास किया है, जो पख्तूनख्वा के असम्बली ने, अगर उस तरह की ये नैब होती तो आज मुझे कुछ ना करना पड़ता, उन्होंने खुद ही कार्रवाई शुरू कर देनी थी, क्योंकि वो किसी से ऑर्डर नहीं, गवर्नमेंट से एनओसी लेके एहतसाब नहीं करना था उन्होंने। दूसरी जो चीज़ आज पास हुई है, ये भी तारीख है पाकिस्तान में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इक्तदार में आके आप अपने आप को ज़ाती फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में इनकलाब आया है, जो कि अभी तक होता क्या है कि पॉलिटिक्स में आते ही हैं ज़ाती फ़ायदे के लिए। छोटा कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिक्स में आता है और अरबोपति बन जाता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आके इक्तदार में आके अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट्स देता है, पैसे बनाता है। शरीफ ख़ानदान एक फैक्ट्री से शुरू हुआ था, जब इनको इक्तदार मिला 81 में तकरीबन 30 फैक्ट्रियाँ बन गई इनकी 12 साल के इक्तदार के बाद। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पख्तूनख्वा में अब ये कोई नहीं कर सकेगा, इक्तदार में आके ज़ाती फ़ायदा कोई नहीं पहुँचा सकेगा, ये एक तारीख है। फिर जो अभी पास हो रहा है विसल ब्लोअर एक्ट, ये भी इनकलाब है कि डिपार्टमेंट के अंदर अब लोग जो भी निशानदेही करेंगे करप्शन की, उसकी जो भी रिकवरी होगी 25% उनको जाएगा और उनकी हम आइडेंटिटी खुफिया रखेंगे। इससे होगा क्या कि ना हमें ये जो नैब के अंदर ये प्ली बागेन का केस है जिससे करप्शन बढ़ती है, कि आप 100 रुपए की चोरी है तो अगर आप 30 रुपए दे दें या 60 रुपए दे दें तो बाकी पैसा अपने पास रखें। पख्तूनख्वा में ऐसे नहीं होगा, जो भी चोरी है सारा पैसा वापस आएगा। और ये जो विसल ब्लोअर एक्ट है, ये अगर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी निशानदेही करेगा चोरी, 25% पैसा उसको मिलेगा। ये है एक इंशाल्लाह ऐसा इनकलाब वक्त बताएगा कि ये एक पाकिस्तान में जो तब्दीली की मैं बात करता हूँ, इससे करप्शन रुकेगी। और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किया है, वो भी इंशाल्लाह, जो अब तक हमें बड़ी देर लगी यूनिवर्सिटीज़ ठीक करने में, इससे रिफ़ॉर्म करने की आसानी होगी। जिस तरह हमने हॉस्पिटल्स को रिफ़ॉर्म करने का एक्ट के ऑटोनमस किया हॉस्पिटल्स को, वो एक तब्दीली थी। GDA का एक पास किया कि ये भी एक ऑटोनमस बॉडी है, कोई भी नथिया गली में आप जाके देख लें, पहले देख लें नथिया गली क्या था और अब देख लें। इसकी वजह ये है कि हम अब GDA को एक ऑटोनमस बॉडी बनाई हुई है जो फंक्शन कर रही है और सारा कुछ उसके नीचे दे रहे हैं, और उसी में सारे रेस्ट हाउसेस दे रहे हैं, CM हाउस दे रहे हैं। CM हाउस का हमें लगता है कि हमें 1 लाख रुपया दिन का हमें नफ़ा मिलेगा जब हम उसे कमर्शलाइज करेंगे। स्पीकर हाउस दे रहे हैं, सारे रेस्ट हाउसेस, करोड़ों रुपए का GDA को फ़ायदा होगा, बजाय ये कि टैक्स के पैसे से लोग अयाशियाँ करते थे। इमरान खान जाके बड़े बड़े जो भी इलेक्ट हो वो इन रेस्ट हाउसेज में ठहरता था, अब ये आवाम के लिए खोले हैं। और ख़ास तौर पे अब जब टूरिज़्म बहुत बढ़ चुकी है, तो हमारा ख्याल ये कि हम इससे करोड़ों रुपए रेस्ट हाउसेस से अब बनाएंगे बजाय कि आवाम का टैक्स का पैसा खर्च हो। जो पुलिस सेक्टर है, आज अभी APNS जो हमने इनवाइट किया हुआ था आज मीडिया के जो इलेक्टेड बॉडी है, उसको IG दुरानी साहब ने प्रेजेंटेशन दी पूरी और बताया कि पख्तूनख्वा में कितना बड़ा हमने एक तब्दीली लेके आए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं ला सका। पहली दफ़ा पुलिस मुकम्मल तौर पे अब कानूनी तौर पे डीपोलिटिसाइज हुई है, सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र IG के नीचे आएंगी, यानी अब हम कोई भी सियासी तौर पे पुलिस में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज़ के सारी जो पुलिस में भर्तियां होंगी NTS सिस्टम पे होंगी, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, कोई अपने लोग भर्ती नहीं करवा सकेगा पुलिस में। तीसरी चीज़ कि एक जो
जो लोग हैं, जो मसलन आम आवाम के नुमाइंदे हैं बल्दियात के लेवल पे, उनकी वो कमिटीज़ पे आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन और फिर प्रोविंशियल सेफ्टी कमीशन, जो नुमाइंदे होंगे वो चेक रखेंगे कि पुलिस ठीक काम कर रही है या नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। हमने उनको एम्पावर भी कर दिया और फिर अकाउंटेबल भी छोड़ दिया आवाम के पास। इससे क्या होगा कि पख्तूनख्वा में थाने कचहरी की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, और इंशाल्लाह ये ही हम अब मिसाल बनेंगे कि पंजाब में भी लोग डिमांड करेंगे इसकी और सिंध में भी करेंगे, जिधर पुलिस की खुद आईजी सिंध के पुलिस कहते हैं और पंजाब में आईजी वासान की रिपोर्ट है हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को, कि पुलिस की तबाही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, सियासी भर्तियों से, और कई जगह पैसा लेके पुलिस वालों को भर्ती किया जाता है। तो ये जो चेंज है, ये पख्तूनख्वा का इंशाल्लाह जब हम कहते हैं कि तब्दीली आ गई, ये है चेंज। आम आदमी की ज़िंदगी जो उसको और ख़ास तौर पे देहात में जिधर पुलिस से वास्ता पड़ता है, इंशाल्लाह मिसाली पुलिस पख्तूनख्वा में बनेगी, और हम सबको दावत देते हैं कि खुद आके देखें कि जिस तरह की हमने ये चेंजेस लेके आए हैं। ये करप्शन के खिलाफ है और ये सारे पाकिस्तान में पख्तूनख्वा से शुरू कर रहे हैं। 7 तारीख को पख्तूनख्वा के जो बॉर्डर है उस पर ख़त्म होगी संडे को, फिर 13 को हम पिंडी से आ रहे हैं इस्लामाबाद, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस्लामाबाद बताएंगे अगला ये किधर जा रहा है। लेकिन इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं जिनको अपना काम करना चाहिए था उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, नैब के ऊपर, FBR के ऊपर, स्टेट बैंक के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि आपका काम है, आपका काम है इंसाफ देना। ये जो पनामा के पेपर में जो इंकशाफात हुए हैं, इंटरनेशनल हुए हैं, इनका काम है आगे कदम स्टेप लेना करप्ट लोगों के जो कानून तोड़ रहे हैं। मकसद इसका ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए एक कानून है और आवाम के लिए दूसरा है? क्या डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर को अपनी मिसाल से नहीं चलाना चाहिए? अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, टैक्स की चोरी के चार्जेज हैं, जब मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेज हैं, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के चार्जेज हैं, तो क्या उसको प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए किसी जमहूरियत के अंदर? ये पब्लिक के अंदर हम आवाज़ लेके जा रहे हैं कि सारे जो पब्लिक के मसले हैं, गुरबत, अमीर गरीब में जो बढ़ता हुआ फ़र्क है, जो यहाँ इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो गुरबत बढ़ रही है, इस सारे के पीछे जो इदारे तबाह हो रहे हैं, इनके पीछे एक चीज़ है, करप्शन। हमने आवाम को तैयार कर रहे हैं इसके लिए और हम ये इदारों को भी टेस्ट कर रहे हैं, और ये तहरीक रुकेगी नहीं जब तक हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। रेफरेंस तय किया गया है आज आपके खिलाफ, बारी बारी 3 लोग रेफरेंस लेके गए हैं स्पीकर के पास, और आपके आपके पास दफा के लिए क्या मटेरियल है? वो कहते हैं कि बेगम जो होती है वो तलाक के बाद नहीं दे सकती तोहफा, और आपका मकान जो है और ATM उन्होंने कह के मुख्तलिफ लोगों को भी तनकीद का निशाना बनाया और उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हुआ है, आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा पहला सवाल ये है, मैं ये मोटू गैंग से सवाल पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं कि मैं आप 3 साल से इक्तदार में थे, आपको आज क्यों याद आया इमरान खान के पास ये जो भी ये चीज़ें बातें कर रहे हैं? ये कोई आज तो नहीं हुई, ये 15 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज क्यों जाग आई है ये मोटू गैंग को? मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि क्या इनका काम नहीं था कि अगर मैं कोई कानून तोड़ा था तो इनको फौरी एक्शन लेना चाहिए था? 5 साल पंजाब में इनकी हुकूमत रही है, 3 साल सेंटर में रही है, तो आज क्यों जागे हैं? ये पहला सवाल। दूसरा मेरा इनसे सवाल, नवाज शरीफ से यह सवाल है कि मियां साहब, आप एक जमहूरी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं या आप एक माफिया के हेड हो? देखिए, जो माफिया होता है ना, एल कैपोन अमेरिका का एक बहुत बड़ा माफिया लीड करता था, वो क्या करता था, सियासतदानों की उनको रिश्वत देता था, उनके ऊपर फाइलें बना लेता था, फिर वो कोई भी सियासतदान से वो काम करवाना, वो फाइलें दिखा के काम करवाता था। ये एक सिटिंग गवर्नमेंट ब्लैकमेल नहीं करती, माफिया ब्लैकमेल करता है। ये ब्लैकमेल किया जा रहा है इमरान खान को कि अच्छा जी, आप ये पीछे हट जाए पनामा से
तो नहीं तो हम आपकी कोई भी टैक्स निकाल देंगे या कोई भैंस की चोरी बता देंगे। ये माफिया ऐसी हरकतें करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं करती ऐसी हरकतें। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं पीछे हट जाता हूं तो क्या मैं ना शौकत थाना में मैंने कोई गलत किया, यानी ना मेरा फ्लैट जो भी मेरे पर इल्जाम लगा, ये सब मैं पाक हो जाऊंगा? इसकी वजह से पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। इन्होंने करप्ट लोगों को फाइलें दिखाते हैं और फाइलें दिखा के कहते हैं कि अच्छा तुमने हमारी करप्शन की निशानदेही की तो ये आपकी करप्शन की फाइल है। इसलिए सारे करप्ट मिल जाते हैं आपस में, मुकमुका हो जाता है इनका। मैं तो पहले इनको कह कि नवाज शरीफ जो TORs के मुताबिक हम कह रहे हैं कि आपका इत्तेसाब हो, मैं तैयार बैठा हूं कि मेरा भी इत्तेसाब करो, तो ये क्या ड्रामे कर रहे हैं आप? सीधी अगर इनको, अगर नवाज शरीफ को खौफ नहीं है कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो TORs के ऊपर क्यों नहीं अपना इत्तेसाब करवाते जो सारी अपोजिशन ने मिल के TORs बनाए हैं? ये PTI ने नहीं बनाए। मेरा तो नाम पैनामा में नहीं है, मैं भी तैयार हूँ उन TORs पे, क्योंकि अगर मुझे खौफ नहीं है तो मुझे TORs से भी खौफ नहीं है। मियां साहब को क्यों है? अब पॉइंट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह की हुकूमत आती है मुल्क में, ये जब करप्ट लोगों से मुकमुका करती है उससे करप्शन बढ़ती है और मुल्क तबाही की तरफ जाता है। अगर ये सीरियस थे करप्शन के या कोई गलत काम मैंने किया है तो आते साथ ही एक्शन लेना चाहिए था। हमें इंशाल्लाह इक्तदार मिलेगा और वो मुझे नज़र आ रहा है ज़्यादा दूर नहीं है। एक मिनट, हमें जब मिलेगा आप यकीन करें मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मैं पकड़ के उनको जेलों में डलवाऊंगा, क्योंकि मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इल्ज़ाम नहीं लगाता, मुल्क के जो वजीर है वो इल्ज़ाम नहीं लगाते, ये मोटू गैंग माफिया इल्ज़ाम लगाती है। जो जमहूरियत के अंदर लोग आप एक्शन लेते हैं, आप गवर्नमेंट के अंदर हो तो आपको तो 3 साल हो गए, आप इतनी देर से इक्तदार में, पंजाब में 8-5 साल से हैं तो 8 साल इक्तदार में, आज आपको शौकत खानम भी याद आ गया है, आज आपको टैक्स भी इमरान खान के याद आ गए हैं, आज आपको सारी चीज़ें याद आ गई है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान पीछे हट जाए, पैनामा पेपर से जो इंकशाफ हुए उससे पीछे हट जाए। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ ये जो मर्जी करें, ये एंड तक मैं जाऊँगा, जो मर्जी आपने कानून मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना है, जो भी करना है आप करें, आखिर तक मैं ये जाऊंगा जब तक कि हम नवाज शरीफ को इंसाफ जवाब नहीं लेते। ये जो 4 चीज़ों के ऊपर उन्होंने कानून तोड़ा हुआ है, कंसीमेंट ऑफ एसेट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, करप्शन, ये 4 चीज़ों के ऊपर, इनके ऊपर जब तक ये अपने आप को कानून के नीचे नहीं लेके आते, हम इंशाल्लाह मैदान में होंगे। जी जी जी, कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में, आप चौधरी निसार अली खान को कोई क्रेडिट देना चाहते हैं? राजनाथ सिंह दाखला भारतीय वजीर दाखला पाकिस्तान आए, इस पर आपकी पार्टी का क्या मौका? देखिए मेरा, मैं आपको वर्ड्स करता हूँ, मेरा पार्टी का मौकफ तो वो है कि पाकिस्तान में सारे जो हमारे नेबर्स हैं उनसे हमारे मामला ठीक होने चाहिए और हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस मुल्क में खुशहाली लेके आनी है तो ये अमन ज़रूरी है। मैं चौधरी निसार ने जो स्टैंड लिया मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ, क्योंकि चौधरी निसार ने बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया कि देखें दो तरफ होती है, ये वन साइडेड कि जी सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान से ही आ रही है, ये हमें अगर दो मुल्कों ने सीरियस हैं कि अपने ताल्लुकात ठीक करने के लिए तो दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है जी हम इकट्ठे बैठें, हमारे कई तहफ़ात हैं उनके हैं, इकट्ठे बैठ के हल करें। ये नहीं आप कर सकते कि वन साइडेड आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को उसी तरह कहे जो अमेरिका कहता था डू मोर, हिंदुस्तान भी वही कहे, तो पाकिस्तान ने पहले भी गलती की जबकि वन साइडेड अमेरिका के प्रेशर में आके हमने तबाही अपने मुल्क की फेरी, और अब भी हमें जिस तरह की हिंदुस्तान से ताल्लुकात एक डिग्निटी से, एक सेल्फ रिस्पेक्ट से मुल्क को करने चाहिए, उस तरह ताल्लुकात कंडक्ट करने चाहिए थे। इंप्रेशन गलत दिया नवाज शरीफ ने जाके कि जिस तरह के हम बहुत ही बुरे हालात हैं हमारे, और उससे वन साइडेड लगा सारा कुछ। तो मैं चौधरी निसार की जो स्टैंड है मैं उससे मुत्तफिक हूँ। उन्होंने मिल के अपने भाई के साथ पास पहुंच के एक जवान को वहाँ पे कत्ल कर दिया दिन दिहाड़े, उसके बाद उन्होंने बिफोर अरेस्ट अपनी बेलें करवा ली,
جس پہ کچھ ملزمان کو مزید نامزد بھی کر لیا گیا, آج تک کسی ملزم کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. حد تو یہ ہوئی کہ وہاں پہ جتنے وکلا ہیں, کیونکہ وہ وکیل بھی ہیں, انہوں نے ان کا تمام وکلا برادری نے کیس لینے سے انکار کر دیا ہے, جبکہ انہوں نے ایکٹ آباد ایک وکیل کو کیا وہ اسے بھی روک دیا گیا, بلکہ ان کو دھمکایا گیا کہ آپ نے ان کا کیس پکڑا تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. خیبر پختونخوا حکومت اس پہ کیا اس کے ساتھ کر سکتی ہے؟ ناصر قدوس وہ پاکستان آرمی کے جوان تھے جن کو شہید کر دیا گیا اور جن دہاڑے قتل کیا گیا, اس پہ کیا ایکشن لے گیا؟ دیکھیں مجھے تو اس کیس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ دوں کہ اگر آپ یہ کیس دیں تو میں آئی جی صاحب کو کہوں گا کہ اس کے اوپر تفتیش کریں, کیونکہ مجھے تو نہیں آئیڈیا. لیکن دیکھیں پولیس آزاد کا مطلب, آٹونمس کا مطلب کہ آپریشنلی پولیس کے اوپر اب کوئی سیاسی پریشر نہیں ہے. یاد رکھیں پختونخوا کے اندر ایک بھی مخالف کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی ہوئی, میرے اوپر کچھ 6 ایف آئی آر ہیں, پنجاب میں کچھ 100 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہیں, سندھ کے اندر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں. یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ کی پولیس ایک اٹانومی ہو, اس کی آپریشنل انڈیپینڈنس ہو, اور ایک جو پولیس کو ایک پارٹ گورنمنٹ نے اپنا ملٹنٹ ونگ بنایا ہو, یہ فرق ہوتا ہے. اور اس لیے میں انکوائر ضرور کروں گا, لیکن ہماری کوئی ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں. یہ بتائیے گا اسی حوالے سے, جی جی, کے حوالے سے آپ نے شروع میں بھی پریس کانفرنس کے بتایا کہ نیب بڑی متحرک ہو چکی ہے اور اپنی مبارکباد بھی دی. یہ بتائیے گا کہ شکیل دورانی صاحب اب جو چلے گئے ہیں, انہوں نے جاتے جاتے جو ہے کچھ کرپٹ افسران اور اہم جو لوگ تھے ان کی نشاندہی کی تھی, کیا وہ بھی آپ کے علم میں ہیں اور اس حوالے سے بھی کیا کوئی تحقیقات ہوں گی اور اس کو بھی کسی بار لگایا جائے گا یا اس طرح ہی؟ دیکھیں جی, ایک کوئی الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جو پیڈو ہے, جو پیڈو کی جو ہماری انرجی کی جو انڈیپینڈنٹ جو ایک اٹانومس باڈی بنی ہوئی ہے, آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کئی جو بھی پاور کے اندر جو انٹرسٹڈ ہیں, کوئی بھی انویسٹر سے پوچھ لیں, جس طرح کی ایمانداری آج پیڈو کی لیڈرشپ میں ہے, آپ انڈیپینڈنٹلی چیک کروا لیں. میں تو فخر کرتا ہوں یہ اکبر ایوب جیسے نوجوانوں پہ جو کہ بڑے پیسے چھوڑ کے آ کے انہوں نے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں پیڈو کے اندر. تو مجھے تو ہر جگہ ٹھیک صحیح رپورٹس مل رہی ہیں, نیچے مسئلے آ رہے ہیں, اوپر کی لیڈرشپ کی سارے تعریف کرتے ہیں. مجھے تو پتا نہیں کیا ریفرنس ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, سن تو لے, جب میں تیار ہوں کہ نواز شریف جو ٹی او آر نواز شریف کو کے لیے ساری اپوزیشن نے بلائے ہیں, میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی اسی انہیں ٹی آرز پہ میرے اوپر میرا احتساب کیا جائے, تو سپیکر بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتایا یہ موٹو گینگ کیوں ڈر رہی ہے کہ نواز شریف کا اور میرا احتساب ان ٹی آرز سے کیوں ڈر رہی ہے وہ, جب میں نہیں ڈر رہا, میرا نام نہیں ہے پینما میں, جب میں نہیں ڈر رہا یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ سوال یہ آپ سے پوچھنے کا ہے اور جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ ڈر اس لیے رہے ہیں, یہ پکڑے جائیں گے, اس میں مارے جائیں گے, یہ بالکل ان کو پتا ہے کہ ان کو نہ یہ جواب ہی نہیں دے سکتے کوئی. انہوں نے پتا ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر آ کے نواز شریف نے جھوٹ بولا ہے کہ 2005 میں نے اپارٹمنٹ لیا, ہمارے پاس رجسٹری نہیں لی. وہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس اربوں روپیہ کدھر سے آیا. 93, 94, 95 میں 4 اربوں روپے کی اپارٹمنٹس کیسے لی یہ سب؟ اور یہ جب یہ چیزیں نکلیں گی تو پتا چلے گا یلو کیب اسکیم میں پیسہ بنا, موٹر وے کے اوپر پیسہ بنا, وہ ایک دو موٹر وے کے اوپر پیسہ بنایا, پھر ایک نہیں پھر ایک وہ پھر ایک وہ انہوں نے بنانے لگے تھے ایک رنگ روڈ لاہور کا, اس کے اوپر پیسہ لیا, اب یہ میٹروز کے اوپر پیسہ, یہ سارا پیسہ جا رہا ہے باہر. یہ جو پیسہ بنتا ہے نا, یہ سارا جاتا ہے باہر, اس لیے ڈر رہے ہیں. اگر ان کو ڈر نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں ٹی او آرز کے اوپر مارنے کے لیے تیار جب میں تیار ہوں؟ جی آپ بھی کرنے لگا لاسٹ میں 2005 کا زلزلہ آنے کے بعد جو بالا کوٹ کے لوگ ہیں وہ ابھی تک ملبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بالا کوٹ سٹی پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا وہ کب مکمل ہوگا, کب لوگوں کو وہاں سے ان کا حق ملے گا؟ جی میں پہلے تو انشاءاللہ یہ تحریک یہ جو ہماری احتساب کی کرپشن کے خلاف مہم ہے, انشاءاللہ یہ کامیاب اس لیے ہوگی کہ ساری پاکستانی عوام سمجھ گئی ہے ایشوز کو, اور ہم نے صرف لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ اگر اب نہیں کھڑے ہوتے تو یہ پاکستان اب ایک تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے, کیونکہ ریکارڈ قرضے لے رہے ہیں, یہ اپنی کرپشن کو فیڈ کرنے کے لیے ریکارڈ قرضے لے رہے ہیں. تو ایک طرف تو قرضے لے رہے ہیں,
قوم غریب ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ امیر ترین ہو رہے ہیں. نواز شریف کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی عمران خان یہ جو کرنے لگا ہے یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ روکنے لگا ہے. میاں صاحب عمران خان پاکستان کی ڈیولپمنٹ نہیں روکنے لگا, ڈیولپمنٹ صرف آپ کے بینک اکاؤنٹس اور آپ کی شریف خاندان کی پراپرٹیز میں ہو رہی ہے. یہ پاکستانی قوم تو بے روزگاروں میں مر گئی ہے. پاکستان کا جو حالات ہیں آج, لوگوں کے حالات دیکھیں, یہ لوگ تو پس گئے ہیں. یعنی کوئی کسانوں سے پوچھ لیں, مزدوروں سے پوچھ لیں, وہ تو پس گئے ہیں. ڈیولپمنٹ صرف شریف خاندان کے بزنس امپائر میں ہو رہی ہے, اس ڈیولپمنٹ سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی بھی انہوں نے بڑے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور جو آپ نے بالا کوٹ سٹی کا کہا, ایک ایشو ہے, اس کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, یہ پھنسا ہوا ہے. ایک وہ لوگ جو جن کو ہٹانا ہے وہ زمین سے, وہ نیو بالا کوٹ سٹی بنانے میں وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ہے, وہ مرنے کے لیے تیار ہے وہاں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ